आपके साथ रचना, आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नीमच में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सल्फर मिश्रित 60 बोरिया अजवाइन पकड़ा। सल्फर मिश्रित अजवाइन की शिकायत पर खाद्य अधिकारी बाइक से कार्यवाही करने पहुंचे तो मार्ग में बाइक खराब होने पर लिफ्ट मांग कर डुंगलावदा फंटे पर ट्रक को रोक कर की कार्यवाही। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा को शनिवार को सूचना मिली थी कि नीमच से सल्फर मिश्रित अजवाइन कर्नाटक जाने वाली है, जिस पर श्री मिश्रा कलेक्टर चौराहे पर संबंधित ट्रक का इंतजार करने लगे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि ट्रक डुंगलावदा के समीप महिंद्रा ट्रांसपोर्ट पर खड़ा हुआ है और उस पर सल्फर मिश्रित अजवाइन की बोरियां लोड हो रही है। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डुंगलावदा के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई, जिस पर उन्होंने लिफ्ट मांगी और महिंद्रा ट्रांसपोर्ट पर पहुंचे। के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि RJ095678 नाम के एक पिकअप के अंदर राजस्थान बॉर्डर के एरिया से कुछ मात्रा में धनिया और अजवाइन जो है, या तो उसके ऊपर भट्टी या फिर सल्फर का उपयोग करके उसको दूर किसी अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल जाने वाला है। तो पूर्व में जो सूचना मिली थी वो मिली थी गोमाबाई अस्पताल के जो मेन रोड है कलेक्टर ऑफिस के सामने, वहाँ से गाड़ी को गुजरना था, लेकिन 5 या 10 मिनट के जब इसमें लोड हो रहा था उसके पहले ही सूचना मिली कि सर गाड़ी वहाँ पे ना लोड होती हुई ये महिंद्रा ट्रांसपोर्ट के सामने गाड़ी खड़ी हुई है और पिकअप से माल उसके ऊपर चढ़ रहा है और हम तत्काल यहाँ पर पहुँचे और इसलिए अभी बैग वगैरह की भी पूरी तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि सबसे पहले गाड़ी और माल को पकड़ना आवश्यक था। और जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर माल ऊपर चढ़ के रखा हुआ था ट्रक के ऊपर और नीचे इसमें RCM शूटिंग्स का एक माल जो है वो हुबली की तरफ जा रहा है और उसी के ऊपर जो है 60 कट्टे अजवाइन के चढ़ाए गए हैं और उतरवाने के ऊपर जब देखा गया तो सारा अजवाइन जो है वो पूरा सल्फर की गंध से महक रहा है और इससे प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि इस अजवाइन के ऊपर जो है सल्फरिंग की गई है और भारी मात्रा में सल्फरिंग उसके ऊपर की गई है, क्योंकि अभी जिस तरीके का माल मंडी के अंदर आ रहा है वो ब्लैकिश है जबकि ये वाला माल पूरा वाइट है और इसके ऊपर सल्फर का घातक केमिकल का उपयोग किया गया है। इसलिए इनके मालिक को बुलाया गया है और मालिक अभी आए थे मनीष पामेचा जो हैं, वो इन्होंने अपना स्वीकार किया है कि सर ये हमने माल राजस्थान से मंगाया था और हम बाहर इसको कर्नाटक और दूसरी जगहों पे सप्लाई करने के लिए, तो एक पिकअप बुलवा के अभी इनका धनीरिया कला में प्लांट है वहीं पे ये सारा माल ले जाके और अभी कार्रवाई होगी और माल को पूरा जब्त किया जाएगा। बिना बिल अनुज्ञा का माल है, क्या मंडी को भी इसकी सूचना की जाएगी सर? इसमें बिल्कुल मंडी को भी अभी सूचना कर रहे हैं और अगर मंडी की टीम आ जाती है तो वो अपने हिसाब से विधिवत कार्रवाई करेगी। मंडी का अनुज्ञा कटा हुआ इसका आपको।